लाहौर में ब्लैकमेलिंग का अनोखा गैंग बेनकाब। राह चलते लोगों को रोक के बहाना करके, पेट्रोल खत्म होने का बहाना करके उनसे पैसे लेते थे और उसके एक या दो दिन बाद ये पैसे वापस करने के लिए उन्हें दोबारा राबता करते थे। 16 बरस के लड़के ने लड़की बनकर किया फ्रॉड। वो समझा कि लड़की है। अच्छा। उसने कपड़े वगैरह अपने उतार लिए, मैं अपने उतारने से पहले ये धोखा आ गया मेरे। ये प्लान का हिस्सा था कि जैसे मैं ये करने लगूंगा तुम सबने कमरे के अंदर दाखिल हो जाना। मदद करने वाले बन गए खतरनाक गैंग का शिकार। फिर वहाँ पे मेरी वीडियो बनाते। कैसे? कपड़े उतार के मेरे, और उसके बाद फिर ब्लैकमेल करते हैं, पैसे मांगते हैं कि घर से पैसे मंगवाओ, 2 लाख मंगवाओ। कैसे मोबाइल ऐप का फायदा उठाकर खतरनाक गैंग ने डाला अपना जाल। मैं एक जो बंदा है वो ये ऐप है उसके जरिए जो है ना वो लोगों को बुलवाता है। जब ये वहाँ बंदा वहाँ पे आ जाता है तो उसकी ये न्यूज तस्वीर वगैरह बनवा के, वीडियो वगैरह बनवा के उसको फिर ब्लैकमेल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मेरा नाम आमिर डार है। राह चलते हुए कोई बाइक आपके पास आके रुके जिसमें एक औरत हो, एक मर्द हो, हाथ में बच्चा उठाया हो, या गाड़ी में इसी तरह के लोग आपको नज़र आएँ, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मेरे समेत इस शहर में रहने वाले तकरीबन तमाम शहरी ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आप जा रहे होंगे अपने काम से और एक बाइक आके रुकेगी, साथ में औरत होगी, साथ में एक मर्द होगा, जी हमारे पास पेट्रोल ख़त्म हो गया है, आप हमारी मदद करते हैं। तो बाज़ू का हम मदद भी कर देते हैं। हम ये समझते रहे हैं हमेशा कि शायद ये भिखारी हैं और ये पैसे मांगते हैं, लेकिन बात इससे बहुत आगे निकल चुकी है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक गैंग है जो कि इस वक्त लाहौर में ऑपरेट कर रहा है। शहर लाहौर में एक खतरनाक गैंग ऐसा भी है जो बज़ाहिर मदद मांगता नजर आता है, लेकिन मददगार को ऐसी दलदल में धकेल देता है जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल तरीन हो जाता है। किसी मजबूर और मदद के तालिब की मदद करना तो दूर, ऐसी घनावनी साजिश के बाद मददगार किसी पर यकीन भी नहीं करता। ऐसा क्या हुआ कि शहर लाहौर के बासी मदद के लिए आगे आते हैं तो साजिशों के जाल में फंस जाते हैं? क्यों लाहौर की सड़कों पर अक्सर बाइक को घसीटते मर्द और ख्वातीन मदद मांगते नजर आते हैं? क्या ये सच है कि बाइक में पेट्रोल खत्म हो चुका होता है, या फिर मर्द और ख्वातीन रचा रहे होते हैं कोई साजिश? कैसे मदद मांगने वाले मर्द और ख्वातीन मदद करने वालों के लिए बिछाते हैं ऐसा जाल जिससे निकलना हो जाता है मुहाल? मदद करने वाला कैसे अपनी सारी जमा पूंजी गंवा कर भी खतरनाक गैंग के हाथों ब्लैकमेल होता रहता है? कैसे मदद करने वाला अक्सर अगवा हो जाता है? क्या मदद मांगने के बहाने खतरनाक गैंग ढूंढता है अपना शिकार? कैसे जदीद दौर के जदीद डकैत हुए बेनकाब? कैसे एक नौजवान मदद करके खतरनाक गैंग के चुंगल में फंस गया? क्या पुलिस ने खतरनाक गैंग को पकड़ने से कर दिया था इनकार? कैसे नौजवान ने खतरनाक गैंग का एक रुकन पकड़कर किया पुलिस के हवाले? खतरनाक ब्लैकमेलर गैंग ने खाली फ्लैट किस मकसद के लिए रखा हुआ था? गैंग में शामिल नकाबपोश लड़की हकीकत में कौन थी? क्या नकाबपोश लड़की मददगार को खाली फ्लैट में ले गई? खाली कमरे में मददगार की बनी कौन सी शर्मनाक वीडियो? क्या ब्लैकमेलर ग्रुप वीडियो लीक करने की धमकी देकर लूटता रहा जमा पूंजी? पुलिस ने इस गैंग को दिया कौन सा लकब? कैसे ये गैंग जदीद टेक्नोलॉजी को करता था इस्तेमाल? कैसे मोबाइल ऐप के जरिए नौजवानों को टारगेट किया जाता और फिर खाली फ्लैट में ले जाया जाता? कभी लड़की बनकर लुभाने वाले तो कभी मर्द बनकर अपने जाल में बिछाने वाले नहम जमात के तालिब इल्म ने किए कौन से राज फाश? लाजमी देखिए कैसे शहर लाहौर के नौजवानों को बेवकूफ बनाकर उनको ऐसी दलदल में धकेल दिया जाता जहां से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता। मुजरिम कौन? मेरे साथ वो एक विक्टिम मौजूद है, नौजवान मौजूद हैं, शरीफ आदमी हैं, अपने काम से कहीं जा रहा था, रास्ते में इसी तरह एक औरत और एक मर्द बाइक में मिलते हैं, जी हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया है, ये खुदा तरसी करके उन्हें पैसे दे देता है। अब वो बहाने से उसे अगले दिन वापस बुलाते हैं कि हमने आपके पैसे वापस करने हैं, आप बड़े अच्छे भले लोग हैं, आप अपने पैसे ले जाएँ। और उसके बाद इसके साथ क्या होता है आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। काशिफ मेरे साथ मौजूद है, काशिफ के भाई भी मौजूद है, ये वो काशिफ है जिसके साथ ये सारा वाकया हुआ है। पुलिस ने इस गैंग को गिरफ्तार भी कर लिया, अभी हम गैंग के जो अरकान पकड़े गए उनसे भी बात करेंगे।
काशिप आप मुझे बताएं ये कब का वाकया है, आप कितने बजे कहाँ से वापस आ रहे थे? मैं ऑफिस से घर आ रहा तकरीबन ये वाकया को 12 दिन हो गए। 12 दिन हो चुके होंगे ऑफिस से घर आ रहे थे जी। किस सड़क से गुजर रहे थे आप? इकबालटन वाली साइड से मैं गुजर रहा था। अच्छा, वहाँ पे एक औरत और एक लड़का मिलते हैं। ठीक है, कितनी उम्र होगी दोनों? तकरीबन 22-23-24 साल होगी। 22-23-24 साल थी जी। लड़की की भी और लड़के की भी? लड़की निकाब में थी। लड़की निकाब में थी जी, और लड़का 22-23-24 साल का जी। तो मुझे बाइक रुकी हुई थी उनकी? बाइक बंद थी। बंद थी, मेन रोड था? मेन रोड था। और मुझे आपको हाथ देके रोका? हाथ देके रोका और मुझे कहते हैं कि हमारी ना प्लीज हेल्प कर दे। अच्छा, लड़की ने कहा कि लड़के ने? लड़के ने कहा। लड़के ने कहा बाइक का ना पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ। तो मैं 100 रुपया दे देता हूँ उनको। ठीक है, और कहते हैं कि हम भीख नहीं ले रहे, लड़की कह रही है मुझे। ठीक है, हम भीख नहीं मांग रहे। ठीक है, हमें कुछ पैसे दे, 500 रुपया आप दे दें, हम आपको वापस दे देंगे। ठीक है, उधारे दे दूंगे। ठीक है, मैं दे देता हूँ और मेरा नंबर ले लेते हैं। तकरीबन नंबर ले लेते हैं आपका? जी, मेरा नंबर ले लेते हैं। आपको उस वक्त लगा नहीं मामला मशकूक है? पहले 100 मांग रहे हैं, फिर 500 मांग रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं जी हम उधारे दे दें। नहीं, मुझे लड़की ने इसको जानते ही नहीं है। मुझे लड़की ने कहा ना कि हम अल्लाह वास्ते नहीं मांग रहे, नंबर भी लड़की ने मांग रहे जी। लड़की ने नौजवान से मदद तो मांगी ही थी, साथ में राब्ता करने के लिए मोबाइल नंबर भी मांग लिया था। ऐसा लगता था जैसे ये गैंग नौजवानों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर हरबा आजमाता था। जिस तरह मैंने कहा कि एक इंतहाई खतरनाक गैंग का इंकशाफ हुआ है शहर में, थाना नवाकोट पुलिस के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है कमर साजिद, इन्होंने और इनकी टीम ने इस गैंग को गिरफ़्तार किया है और इसे इंटरोगेट किया है। फिर दौरान तफ्तीश बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं। ये गैंग कब से ऑपरेट कर रहा था, किस तरह से ऑपरेट कर रहा था, क्या ये जो मुलजिमान है पहले से ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं, किस तरह के इस पर मुकदमात हैं, और इस जो तफ्तीश के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है, तफ्तीश का क्या स्टेटस है, ये हम जानते हैं कमर साहब से। कमर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बताएँ कि इस गैंग को आपने किस तरह से गिरफ़्तार किया? ये एक बड़ा यूनिक सा इनका जो है ना वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन सामने आई है। ये चार रुकनी गैंग है बेसिकली। इसमें एक जो बंदा है वो ऐप है, उसके ज़रिए जो है ना वो लोगों को बुलवाता है। बुलवाने के बाद उनसे गपशप करते हैं चैटिंग पे। जब वो इनके ट्रैप में आ जाते हैं तो ये उनको जो इनका क्वार्टर है वहाँ पे इनको वो बुलवा लेते हैं। ये किसके नाम पे क्वार्टर है, ये कब से इन लोगों ने लिया हुआ है? कि वो उसकी इंटरोगेशन हम कर रहे हैं, उस पे इंशाल्लाह वर्क जारी है। पुलिस के इल्म में है ये सारा मामला, अभी कई मामला तहकीक तलब हैं, कई हकायक सामने आना बाकी हैं, मुलजिमान के चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। थाना नवाकोट में इस वक्त मौजूद हूँ और ये वो तीन रुकनी गैंग है जो कि थाना नवाकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और ये वही गैंग है जो राह चलते लोगों को रोक के बहाना करके, पेट्रोल ख़त्म होने का बहाना करके उनसे पैसे लेते थे और उसके एक या दो दिन बाद ये पैसे वापस करने के लिए उन्हें दोबारा रابطہ करते थे, उनसे मोबाइल नंबर ले लेते थे और उसके बाद फिर ये अपनी प्राइवेट जगह पर ले कर जाके, एक फ़्लैट इन लोगों ने किराए पर लिया हुआ है, वहाँ पर जाके उस शख्स को बरहना करके कपड़े उतार के और उसकी वीडियो बना लेते थे। ये मुलजिमान सिर्फ यही नहीं करते थे बल्कि एक ऐप के ज़रिए लोगों को, लड़कों को, नौजवानों को बदफेली की दावत देते थे और उसके बाद उन्हें ट्रैप करके उसी फ्लैट पे लेके आते थे और फिर वही अमल दोहराते थे, उनकी वीडियो बनाते थे बरहना करके और उसके बाद उनसे पैसे बटोरते थे। मैं इनका तारुफ आपको करवाऊँगा तो आपको यकीन नहीं आएगा। ये जो मेरे साथ पहला मुलजिम खड़ा है, ये जलेबियों की रेडी लगाता है, यानी एक रेडी पे ये जलेबियाँ बेचता है और काम क्या करता है कि ऐप के ज़रिए लोगों को ये ट्रैप करता है और वहाँ पे बुला के उनकी बरहना वीडियो बनाता है। अगला जो मुलजिम है ये बड़ा मज़ेदार किरदार है, इसके बाल आप लंबे लंबे देख रहे हैं। ये वो मुलजिम है जो कि लड़की बनता है, ये अबाया पहनता है और ये सड़क किनारे अपने एक और मुलजिम के साथ, दोस्त के साथ खड़ा हो जाता है और हाथ दे के लोगों को रोकता है और उनसे फिर पैसों का तकाजा करता है कि हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया है। और ये ऐप पे भी लोगों को जो चैट करके लोगों को फंसाता है और फिर अपनी जगह पे बुलाता है। और जो तीसरा मुलजिम है ये भी बिल्कुल इसी तरह जलेबियों की रेडी लगाता है। तो आप ज़रा तसव्वुर करें, ये वो लोग हैं जो हम समझते हैं कि बड़े भोले भाले हैं, सीधे लोग हैं, बज़ाहिरन हमें ये लगता है, लेकिन ये किस कदर शातिर लोग हैं और किस कदर घिनौना ये काम करें।
मैं इन दोनों से बाद में बात करूंगा, सबसे पहले मैं इससे बात करता हूं, क्योंकि काशिप को इसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर रोका था। क्या नाम है तुम्हारा ये बताओ? एहसन। एहसन, एहसन क्या काम करते हो? सर जी, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूं। तुम 9वीं जमात में पढ़ते हो, 9th क्लास में? जी। तुम्हारी उम्र कितनी? मेरी 16 साल। 16 साल है। तुम्हारा अभी आईडी कार्ड भी नहीं बना, शिनाख्ती कार्ड भी नहीं बना। 16 बरस का नौजवान अबाया और नकाब पहनकर नौजवान लड़की का रूप इख्तियार कर लेता था। कोई नहीं जान पाता था कि नकाब के पीछे लड़की नहीं, एक नौजवान लड़का है जो खतरनाक चाल चलने की कोशिश में मसरूफ है। आप जरा बातों में आगे। ठीक है, तो मैंने नंबर दे दिया उस लड़की को आपने? जी, नंबर दे दिया। तकरीबन 1-2 दिन बाद मुझे वो बुलाते हैं और अपने साथ लेके चले। 1-2 दिन में दोबारा रابطہ नहीं किया? नहीं किया। आपको फोन आता है 2 दिन बाद? जी, तकरीबन 10 बजे आता है फोन। लड़की आपको फोन करती? जी, लड़की करती, लड़का भी बात करता है। पहले लड़की बात करती, क्या कहती है आपको? मुझे कहते हैं कि आप के पैसे वापस करने हैं, आप फलां जगह पे आ जाएं। अच्छा। हम आपके पैसे वापस करते हैं। तो मैं तकरीबन, फिर लड़का बात करता है मेरे साथ, कहता है कि आप अच्छे इंसान है, आप इधर आए। मैं कहता हूँ कि मैं नहीं आ सकता, आप पैसे मुझे कैश करते हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं नहीं, आपसे मिलना है हमने, आप आए तो सही। मैं जैसे ही उनकी बातों में आप उनकी बातों में आ गए। जी, मैं लालच, काशिप आपके साथ ज्यादती तो हुई है, क्योंकि लालच दिल में आ गई थी उस वक्त? नहीं नहीं, कोई कोई लालच नहीं थी, बातों में आ गए, बातों में आ गए। कहां जाते हैं? कहां जाते हो फिर? तकरीबन मैं शाहपुरी चौक जाता हूं। अच्छा, वहां पे दोनों आते हैं? दोनों आते हैं। नहीं नहीं, उनके पास कैरी वैन होती है। अच्छा, कैरी डिब्बा होता है उनके पास। दो लोग ही होते हैं? तकरीबन 3 होते हैं। 3 होते हैं, वही लड़का लड़की और साथ में एक और वो आदमी होता है। जी, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे फिर क्या होता है? वहाँ पे पहुँचता हूँ मैं, मुझे कहते हैं कि कैरीमैन में बैठे, मैं नहीं बैठता। अच्छा। तो मुझे कहते हैं आप बैठे तो सही, बात करनी है आपसे कुछ। पैसे वापस कर दिए? पैसे मुझे वापस कर दिए। कर दिए? जो कहते हैं बैठे बात करनी है आपसे, मैं कह रहा मैंने नहीं करनी कोई बात, मैं जा रहा। फिर कहते हैं आप बैठे तो सही हमारे साथ, मैं बैठता हूँ। जैसे ही तो मुझे कैरीमैन स्टार्ट करके मुझे ले जाते। आपको जबरदस्ती कैसे लेके जा सकते हैं? दिन का वाक्य है, रात को? ये रात का वाक्य है, तकरीबन 10-11 बजे का। 10-11 बजे मुझे ऐसे ले जाते, मुझे कहते हैं अच्छे इंसान है आप, बैठ के गाड़ी में। जी, तो फिर क्या बात की आपसे उन्होंने? मुझे कहते हैं कि हम खाना शाना खाएंगे कहीं से, गप शप लगाएंगे। अच्छा। ये वो मुझे बातें करते हैं। हाँ, तरह की एतमाद में आ गया। जी, तो मैं तकरीबन थोड़ा सा क्रॉस करते हैं ना, तो हम मुसाफिर, तो मुझे कहते हैं कि मारना पीटना शुरू कर देते हैं। फिर मुझे गाड़ी में आपको मारना शुरू कर देते हैं? अच्छा, फिर मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैं बोलता कुछ भी नहीं। फिर नहीं, आपने को उतरने की, भागने की, शोर में जाने की कोशिश नहीं जी, की? मैंने की, मुझे फिर उन्होंने गन पॉइंट पे पिस्तौल भी थी उनके पास जी, गन दिखाई आपको? अच्छा, तो मुझे लगा देता मैं। फिर यहाँ से कहाँ लेके जाते हैं? तकरीबन शादेवाल वाली साइड पे लेके जाते हैं मुझे। बातों ही बातों में मदद मांगने वाले शातिर गैंग ने मददगार नौजवान को अपने जाल में फंसा लिया। गाड़ी में बैठने की देर थी, शातिर गैंग ने नौजवान को अगवा कर लिया और लाहौर में जौहर टाउन के इलाके शादीवाल की जानिब ले गए। कुछ मालूम न था नौजवान मददगार के साथ क्या सलूक होने वाला है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मदद मांगने के बहाने जाल बिछाते हैं और अगवा करके पैसों का तकाजा भी करते हैं। यही नहीं बल्कि लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है। अब जरा मुलजिमान की जुबानी भी सुन लीजिए कि वो किस तरह सादा लौह नौजवानों को अपने जाल में फंसाते हैं। कब से ये काम कर रहे हो? सर जी, 1-2 माह हो गया। 1-2 महीने हो गए। जी जी। ये सबसे पहले मुझे काशिप वाला बकुआ बताओ, कहाँ पे तुम खड़े हुए थे, तुम्हारे साथ कौन था? पीआई रोड पे, तो मेरे साथ मेरा दोस्त था, शान नाम था उसका। अच्छा। तो हमने उसे कहा कि वो हाथ दे के रोका भाई। ये बाइक पे आ रहा था? जी, बाइक पे आ रहा था। हमने कहा कि हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, हमें 500 रुपए की जरूरत है, साथ में बाइक वगैरह भी खराब। तुम बताओ, तुमने अबाया पहना हुआ था? जी सर। तुमने लड़कियों वाला गेटअप किया हुआ था? जी, किया था। अच्छा, फिर? तो सर उसने 100 रुपया हमें दिया, उसने कहा ये लो। मैं, हमने कहा नहीं, 500 रुपया दे दो, आप अपना नंबर भी दे दो, हम आपको लुटा देंगे वापस। अच्छा, उसने वो तुमने नंबर का कहा? जी, लड़की बने हुए थे तो वो जरा लालच में आ गया, ट्रैप हो गया, उसने नंबर दे दिया अपना। दे दिया उसने नंबर उसको। तो मैंने रابطہ कब किया उसके बाद? 2-4 दिनों बाद उसको मैंने फोन किया, अपनी लड़की की बात में उससे मैंने बात की। अच्छा, लड़की बन के तुमने बात की? मतलब कि वो उसे अपने उस पैसों का, मैंने उसको कहा पैसे ले लो अपने, उसने कहा चलो रहने दो कोई, मैं कहा नहीं नहीं आप ले लें आकर पैसों का, उसको वो पैसे अपने लेने आया के पास। आगे से मैं बुरखा पहन के गया हूँ,
बुरखा पहन के उसके तो अकेले गए हो साथ तुम्हारे दोस्त मैं अकेला गया हूँ ठीक है तो उसको मैंने कहा चाय वगैरह पानी वगैरह पी लें कोई आपने हमारी मदद की थी अच्छा। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं कहा नहीं कोई बात नहीं आप चाय वगैरह पी लें उसने कहा चलें ठीक है मैं उसको वहाँ पे लेके गया वहाँ पर जाते जाते कहाँ पे लेके गए उसे यहाँ पे फ्लैट था एक हमारे फ्लैट पे लेके गए साथ में तुम रास्ते में जाते हो तुम्हारे साथ दूसरा दोस्त था तीन लोग थे रास्ते में उसे मारते भी गए तशद्दुद भी किया मारते नहीं गए सर उसको कमरे पे जाके कमरे में लेके उसके साथ फ्लैट लिया हुआ है कहीं किराए पे कब से लिया हुआ है सर जी माँ ही हो गया एक दो महीने हो गए फ्लैट लिया हुआ है इसी काम के लिए जी लोगों को ट्रैप करके वहां पे लेके आते हो जी सर। बकौल मुलजिम वो धोखे से मदद करने वाले को खाली फ्लैट तक ले आते हैं। उसके बाद खाली फ्लैट के अंदर क्या होता है बजाहिर शरीफ नजर आने और मदद मांगने वाले मजबूर कैसे पल भर में सफाक और ब्लैकमेलर बन जाते हैं। वहाँ पे कोई खाली फ्लैट होता है खाली फ्लैट में ले जाते हैं यहाँ से लेकर जाते हैं आगे से तीन लोग और आ जाते हैं और आ जाते हैं मारते हैं फिर अच्छा तकरीबन तब 12 का टाइम हो चुका होता है अच्छा तो मारते हैं फिर मुझे वहाँ फ्लैट में ले जाके वहाँ पे भी मारते हैं फिर वहाँ पे मेरी वीडियो बनाते हैं आप जी कैसे कपड़े उतार के मेरी कपड़े आपके उतरवा देते हैं जी आपको बरहना कर देते हैं जी उसके बाद आपकी बरहना हालत में वीडियो बनाते हैं जी वीडियो बनाते हैं और मुझे कहते हैं कि ये आपकी वीडियो बन गई आपने इधर कोई शोर मचाया तो मोहल्लेदारों से भी मार पड़वाएंगे कि आप इधर गलत काम करने आए अच्छा और उसके बाद फिर ब्लैकमेल करते हैं पैसे मांगते हैं कि घर से पैसे मंगवाओ 2 लाख मंगवाओ 2 लाख रुपए फिर आपको छोड़ेंगे हम अच्छा तो फिर मेरे पास नकदी होती है वो भी रख लेते हैं फिर मेरा मोबाइल होता है वो भी रख लेते हैं फिर अच्छा फिर उसके बाद मेरा एटीएम होता है उसका कोड पूछते हैं मुझे मारते हैं वो जो लड़की थी निकाब में वो वहां पे होती है नहीं वो लड़की वहां नहीं आती वहां पे सिर्फ लड़के होते हैं और 5-6 लड़के होते हैं जो मारते हैं मुझे सब कुछ करते हैं कपड़े उतरवाते हैं ब्लैकमेल करते हैं वीडियो बनाते हैं सब चीजें ले लेते हैं जी जब फिर क्या किया घर वालों को बुलाया पैसे लिए मुझे कहते हैं कि कोड खोलो अपना ये मोबाइल का जी मैंने कोड नहीं मैं खोलता अच्छा तो वो मुझे फिर मारते हैं मोबाइल तोड़ देते हैं मोबाइल तोड़ देते हैं जी एक बंदा एटीएम लिया उसका भी पासवर्ड पूछा जी बता दिया उन्हें जी मैंने बताया फिर ये गए मारा तकरीबन 3000 रुपया निकला 3000 रुपया था उसमें वो सारा उन्होंने निकलवा लिया जी वो निकलवा तो फिर ये कितने बजे आपकी जान छुटी कैसे वहां से तकरीबन सुबह जाने होती है 5 बजे हाँ। तब मुझे फिर दूसरा बंदा कहता उनमें से कि वीडियो तो बन गई आप हाँ। आपको छोड़ देते आपने शोर नहीं मचाना किसी को बताना नहीं अच्छा और पैसों का हम इंतजाम करो पैसे खुद ले लेंगे 2 लाख तुम जाके पैसों का इंतजाम करो तुम्हारी वीडियो बन गई जी छोड़ दिए मुझे छोड़ दिया मैं वहां से भाग के आ जाता हूँ नौजवान तो अगवाकारों के चुंगल से जान बचाकर भागा मगर उसे क्या मालूम था कि अगवाकार अब उसी वीडियो की बुनियाद पर उसकी जमा पूंजी लूटने का मंसूबा बना चुके हैं जिस तरह ये काशिफ के साथ हुए वहां मौके पे उससे पैसे लिए उसके बाद 2 लाख रुपए का ये तकाजा करते रहे अब ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं डेफिनेटली आपकी तफ्तीश में इन लोगों ने माना होगा कि 8 से 10 लोग हैं विक्टिम हैं जो इनका निशाना बन चुके हैं तो कितने पैसे अभी तक इन्होंने थे मजबूत जी ये तो 8-10 वो है ना जो ऑन रजिस्टर्ड है मतलब ऑन रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड है जो अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने कोई अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड नहीं करवाई हाँ। या कोई पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया तो जैसे जैसे इनकी इंटरोगेशन आगे बढ़ेगी तो मजीद इनके जो हैं जो इनके शिकार हैं वो सामने आते जाएंगे ठीक है और ये तफ्तीश आगे बढ़ती जाएगी तो एक तो ये तरीकाकार आपने बता दिया कि ऐप के ज़रिए लोगों के साथ ये मकरूह धंधा कर रहे हैं एक ये लोगों को रास्ते में रोक के पेट्रोल का बहाना करते हैं इनमें से कोई एक आधा लड़की बन जाता है ये क्या मामला है जी बिल्कुल ये आप कह लें कि ये जो दौरे जदीद के नौसरबाज कम डकैत हैं जो कि इस तरह की वारदातें करते हैं सादा लोग आम के साथ वो अंधेरे में या साइड पे जहाँ पे रश कम होता है वहाँ पे जो एक लड़का है ये इसमें जो लड़की बनता है वो नकाब वगैरह करके खड़ा हो जाता है साथ इसके एक जो इसका को एक्यूज है आसन नाम का बंदा है ये आसन है नहीं मैं और एक उसका और मुलजम है तो जब वो कोई इमदाद करने के लिए कोई सादा लोग आम या शरीफ इंसान उनके पास रुकता है तो ये फिर उसको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वगैरह हथिया लेते हैं ठीक है फिर इसी तरह ही अगले दिन रब्ता करते हैं एक दो दिन बाद और फिर उसी फ्लैट पे लेके चले जाते हैं जी बिल्कुल ये बेसिकली ऐसे करते हैं कि जब लोग इनके ट्रैप में आ जाते हैं मतलब ये उनको कहते हैं कि जी ये हमारे पास पेट्रोल के पैसे ख़त्म हो गए हैं
तो वो 1,500 रुपए इनसे ले लेते हैं, बाद में दूसरे दिन को वो पैसे वापस करने के वापसी करने के। और लड़की को इसीलिए गैंग में शामिल किया हुआ है या लड़की बनाया हुआ है ताकि लोग लालच में आ जाते हैं जी? उसका ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेकंड इसका ये होता है कि उसमें फिर फ्रॉड का आंसर थोड़ा सा कम हो जाता है कि ये जेन्युइन इनके साथ कोई प्रॉब्लम है। तो अच्छे लोग भी इस माशरे में पाए जाते हैं, तो वो उनकी मदद करने के चक्करों में फिर खुद इनके जो है ना झांसे में आ जाते हैं। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक इस खतरनाक गैंग का यही तरीका वारदात था कि वो एहसान करने वालों को लूट लेते थे। जिस तरह सांप दूध पिलाने वाले को डस लेता है, ये गैंग भी कुछ ऐसा ही करता था। वहाँ पे लेके जाके क्या किया उसके साथ? वहाँ पे जाके सर जी मैंने उसको वो समझा कि लड़की है, उसको उसके सीने वगैरह पे आ लगाया, वो उसका माइंड बन गया गलत काम के लिए। अच्छा। उसने कपड़े वगैरह अपने उतार लिए, ठीक है। मैं अपने उतारने से पहले ये दोगा आगे मेरे जो साथ थे, इन्होंने ये प्लान का हिस्सा था कि जैसे मैं ये करने लगूंगा तुम सबने कमरे के अंदर दाखिल हो जाना। अच्छा, फिर ये लोग आ गए, इन्होंने आते साथ ही उसे ना मतलब के धमकाया, यहां पे क्या कर दिया जी, धमकाया उसे। हां जी, तो उसको मारा। अच्छा, तो उसको वीडियो वगैरह जो उसकी नंगा था बरना हालत में था उसकी वीडियो बनाई। किसने बनाई वीडियो? वीडियो वो लड़के ने बनाई थी जो साथ था हमारे। अच्छा, उसने बनाई। उसने बनाई वीडियो। अच्छा, फिर तो सर जी फिर उसके जो पर्स में पैसे थे थोड़े से, चार पाँच हजार रुपया था जो उसे वो, अच्छा, लिया, वो भी ले लिया। उसका एटीएम कार्ड भी ले लिया जी, एटीएम कार्ड भी एटीएम कार्ड बाद में इस्तेमाल भी किया, 3,000 रुपये था वो भी निकलवाया सर जी। एटीएम में मुझे नहीं पता कितने पैसे थे, ये लोग ही गए थे, मैं उस टाइम वहाँ पे बैठा। अच्छा, था उसके पास। उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। मोबाइल भी उसका तोड़ दिया। वो क्यों तोड़ा था? वो सर जी इस बात पे आया था, वो कोड नहीं बता रहा था अपने उसका। अच्छा, कोड नहीं बता रहा था जैस काउंट का। अच्छा, फिर उसे सुबह 5 बजे निकाला वहाँ से, सुबह 5 बजे गया जी सर। अच्छा, इन 3-4-5 घंटों में क्या करते रहे उसके साथ? डराते रहे, धमकाते रहे, डराते रहे। फिर 2 लाख रुपए का तकाजा भी किया था जी। ये वीडियो मैं तब डिलीट करूंगा जब पैसे दोगे जी सर। मुलजिम के बकौल उसने और उसके साथियों ने ब्लैकमेलिंग की गर्ज से काशिफ को अगवा किया था, काशिफ की शर्मनाक वीडियो बनाकर उसे डराया और धमकाया था। अभी कई हकायक सामने आना बाकी हैं। उसके बाद पकड़ा कौन जाता है तुम सब में से? ये भाई पकड़े। तुम पकड़े गए थे जी। तुम काशिफ के इलाके में वहाँ पे रेडी लगाते हो जी। तुम्हें नहीं पता था कि जिस बंदे को अपने जाल में फंसाया है, पागल बनाया है, ट्रैप किया है, वो मेरे ही इलाके का है। तुम वहाँ पे रेडी पे अपना काम कर रहे थे, जलेबियाँ बेच रहे थे जी, वो तुम्हें पहचान लेता है? उसने मुझे पहचान लिया। फिर क्या किया? ये वो लड़का जिसने हमारे साथ, ये वो लड़का जिसने हमें लूटा था। अच्छा, फिर उसने पहचान लिया, उसने आगे तुम्हें पकड़ लिया? उसने पकड़ लिया और 15 पे कॉल करके, 15 पे कॉल कर दी, 15 के कॉल कर दी। अच्छा, फिर पुलिस में यहाँ पे ले आई जी, पुलिस इधर ले आई। अच्छा, फिर उसने बता दिया उसका काम ये है कि वो लड़की बनता है जी, रोकता है जी, उसके बाद फ्लैट पे ले आता है लड़के को जी, और उसके बाद फिर तुम लोग आ जाते हो। तुम्हारा क्या काम है इस गैंग में, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम क्या करते हो? सर, ये जब कमरे में चले जाते हैं तो पता लग जाता है कि ये इनका मिशन तैयार है। अच्छा, ये कपड़े उतारे होते हैं, हम लोग पहले से छुपे होते हैं वहाँ पे जी, बाहर खड़े होते हैं, तो बाद में हम दरवाजा खड़काते हैं, ये दरवाजा खोल देता, हम अंदर चले जाते हैं, उसे थप्पड़ मारते हैं। अच्छा, उसे मारना पीटना का उसकी मूवी बनाते हैं। यानी जब कोई लड़का वहाँ पे पहुँच जाता है, वो अपने कपड़े उतार देता है, भरना हो जाता है, उसके बाद तुम लोग आ जाते हो जी, उसके बाद उसे फिर मारते हो, दिखाते हैं, वीडियो बनाते हो जी, उसके बाद उसके पास जो पैसे होते हैं 2-4 हज़ार लेकर उसे 2-4 घंटा बिठा कर फिर छोड़ देते हैं। फिर छोड़ देते हैं जी। शातिर मुलजमान कह रहे हैं कि वो पैसे हथियाने के बाद अपने मददगारों या फिर शिकारों को छोड़ देते थे, जबकि हकीकत कुछ और है। जो भी एक बार इस गैंग के हत्थे चढ़ जाए, उससे नकदी बार बार निकलवाई जाती थी। पुलिस अफसर के बकौल वो ऐसे खतरनाक गैंग को जरूर बेनकाब करके सजा दिलवाएंगे। सवाल ये है कि ये खतरनाक गैंग अब तक कितने सादा लौह शहरियों को अपने जाल में फंसा कर इस दलदल में धकेल चुका है। तुम बताओ तुम्हारा क्या काम है? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। जो काम इसका है वही तुम्हारा काम है, डराना, धमकाना, मारना, पैसे निकलवाना, बाद में हिस्से होते हैं, पैसे बांटते हो जी? हिस्से तो नहीं होते, कम ही देते हैं हमें तो। अच्छा, तुम्हें कम ही मिलते हैं, वजह तुम्हारे साथ इतना इत्यादि सलूक क्यों करते हैं? वो दूसरे लड़के लेते हो तो हम तो बस ऐसे हैं। तुम्हारी मेहनत नहीं लगती? तुम भी तो उतनी मेहनत करते हो ना? बिल्कुल सर। अच्छा, तुम्हें कम देते हैं? अच्छा, वो ज्यादा ले लेते हैं? सबको कम मिलते हैं, उसको ज्यादा मिलते हैं। वो कौन है? तुम्हारा बॉस है सबका? वो नहीं पकड़ा गया अभी? नहीं सर, वो नहीं पकड़ा। सही से बताओ कितनी देर से ये काम कर रहे हो?
सर ये एक दो महीने हुए। एक दो महीनों में 8-10 लोगों के साथ उन सबने ये कर दिया जी। मुलजिमान के बकौल उन्होंने तकरीबन 10 अफराद को अपना शिकार बनाया है। 10 अफराद को लूटा गया और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके मजीद पैसों का तकाजा भी किया गया। अभी गौर से सुनिए लड़की बनकर लुभाने वाले नौजवान ने किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नौजवानों को वरगलाया। और जो नया इंकशाफ हुआ है वो यहाँ आके ये हुआ है और पुलिस के लिए भी इंकशाफ था। दौरान तफ्तीश ये पता चला है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक ऐप है, उस ऐप पे ये लोगों को बदफैली के लिए माइल करते हैं, उन्हें राज़ी करते हैं और फिर उन्हें अपनी लोकेशन देते हैं, उसी फ्लैट की लोकेशन देते हैं जिस फ्लैट पे जो फ्लैट इन लोगों ने किराए पे लिया हुआ है, और फिर वहाँ पे बुला के भी यही सब कुछ करते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो मैं ज़रा इससे पूछता हूँ। बताओ भाई, चैट तुम करते हो? जी सर। क्या चैट करते हो, किस तरह करते हो? सर जी चैट करते हैं। क्या नाम है उस ऐप का? तो सर जी चैट पे मतलब कि हाई का मैसेज करती हैं आगे से, वो भी कर लेता है कभी कभी, हम भी कर लेते हैं। अच्छा। काफ़ी लोग ऑनलाइन बैठे होते हैं तो आगे से, यानी जो लड़के इंटरेस्टेड होते हैं इस काम जी, में जी जी उसे तुम फंसा लेते हो जी। हेलो हाई करते हो, मैसेज करते हो, उससे चैट करते हो? चैट पे सर वो एज वगैरह पूछता है, मतलब कि पिक वगैरह मांगता है। अच्छा, पिक वगैरह? अपनी तस्वीर भेजते हो तुम? एज वगैरह अपनी तस्वीर भेजते हो? किसी की? अपनी भेजते हो? अपनी भेजते हो जी सर, अपनी पिक भेजते हैं तो वो आगे से मतलब कि अपनी ही पिक भेजता है। अच्छा। आगे से मतलब कि वो लोकेशन वगैरह फ्रेंडशिप मारी हो जाए ना जब उसके साथ, तो लोकेशन वगैरह वो मांगता है हमारे से। अच्छा, हम उससे लोकेशन लोकेशन किस लिए मांगता है? गलत काम के लिए? हाँ जी, मिलने के लिए। मिलने के लिए? मिलने से बराबर गलत काम जी जी। ये सब बातें चैट पे पहले से डिसाइड हो चुकी है, डिसाइड हो जाती है कि गलत काम के लिए मिलना है, दोस्ती इसी मकसद के लिए जी सर। अच्छा, तो वो जब रेडी हो जाता है फिर लोकेशन मांगता है। कभी उसने भी अपनी लोकेशन दी किसी ने? देते हैं सर देते, वो वहाँ पे भी जाते हैं? नहीं, वो उनको हम कह देते हैं, वहाँ पे जाके क्या करेंगे, उन्होंने हमारे साथ गलत काम कर लेना। अच्छा। इसलिए हम उसको अपनी लोकेशन पे बुलाते हैं। गलत काम नहीं करते जी? नहीं, वो नहीं करते। अच्छा, उसे जब लोकेशन देते हो फिर वो आ जाता है जी? वो वहाँ पे आ जाता है सर, तो उसके बाद मतलब कि मैं उसको लेके जाता हूँ, उसके कपड़े सारे उतरवा देता हूँ और जो मेरे होते हैं मैं अपने शर्ट वगैरह उतारता हूँ। ये तो ये लोग नहीं, तो वो पहचानता नहीं है कि तुम तो लड़के हो? नहीं, वो लड़का बन के बात करते हैं, लड़के बन के बात करते हैं वो जो ऐप पे होती है। ठीक है। तो फिर ये लोग आ जाते हैं वहाँ पे, ये लोग आके उसके साथ मारते पीटते हैं उसको, मतलब कि वीडियो वगैरह जो बनाते हैं उसको, मतलब कि पैसे दिए हमें। यानी उस वक्त तक वो विक्टिम ट्रैप हो चुका होता है, वो जाल में फंस चुका होता है। अब उसे पता है कि मैंने अपनी जान खलासी करवानी है तो मैंने पैसे देने जी। इस गैंग के चुंगल से निकलने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लुटाना पड़ती थी। क्या पुलिस इस गैंग के मुतासिरीन को उनकी कीमती अशिया और नकदी वापस दिला पाएगी? ये जो दो लोग आपने बाद में पकड़े, एक को तो मुझे खुद पकड़वा के ले आया, इन्हें आपने कैसे गिरफ्तार किया? ये उसी की डायरेक्शन पे हमने बताया ना, उसे ट्रैप करके, ट्रैप करके और उसका जो उसकी इन्फॉर्मेशन लेके सारे अपने सोर्स इस्तेमाल करके जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सीनियर्स की डायरेक्शंस के मुताबिक जो है ना उनको गिरफ्तार किया गया है। तो अभी तक इन्होंने बताया है कि कितने लोगों से कितना पैसा इन्होंने उठाया अभी तक? 8-10 विक्टिम अगर ये मान गया खुद से ऑन रिकॉर्ड है जी, अभी तक तो ये 8-10 माने हैं, लेकिन ये इसकी तादाद जो मेरा एक अंदाज़ा है वो इससे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब है कि लाखों रुपये लोगों से बटोरा गया इस तरह से जी। कोई हतमी फिगर्स तो नहीं मैं दे सकता, लेकिन इनकी जो मुतासरीन की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो उनसे पैसे जो हथियाए गए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जो मुतासरीन हैं, पुलिस उन्हें, आप उन्हें पैसे दिलवा रही है? जी बिल्कुल, उसका एक बाकायदा तरीक़ाकार है, वो जो हमारे पास जो इनके मुतासरीन हैं वो आते हैं, उनकी जो FIR दर्ज हुई हुई है, जो पैसे गए हुए इनसे जो रिकवरी होगी वो उसको बाकायदा उसकी सुपुर्दारी होगी, उसका इंदराज होगा कोर्ट आर्डर से, उसकी सारी जो है ना वो SOP जो बनी हुई है एक, वो उसके मुताबिक उनको उनके हवाले की जाती है। पुलिस इस खतरनाक गैंग के मास्टरमाइंड्स को भी गिरफ्तार करके पूरे गैंग को करेगी बेनकाब और इसके साथ ही शहरियों की कीमती अशिया और नकदी भी रिकवर करने की कोशिश करेगी। इन शातिर मुलजमान को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि वो दोबारा ऐसे जुर्म के मुर्तकिब ना हों। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगेबान।